हाँ तो कैसे हैं सब लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि ये इस चैनल पर मेरी पहली वीडियो है और अभी हाल फिलहाल में मेरे 0 सब्सक्राइबर्स हैं। तो यार देखते हैं पहला सब्सक्राइबर कब मिलेगा, और जो भी पहला सब्सक्राइबर करे यार कमेंट्स में जरूर बताना, पता तो चले कि पहला सब्सक्राइबर कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहला वाला, जितना कि 1 मिलियंथ होगा कभी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गैलेक्सी नोट 10 के साथ। गैलेक्सी नोट 10 की कुछ नई लीक्स हैं, और ऑनेस्टली बताऊं यार मजा आया नहीं इतना जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये गैलेक्सी S10 के पीछे की कैमरा यूनिट है, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं है, इस बार वर्टिकल पोजीशन में कर दिया सैमसंग ने। और सही बताऊं यार ये थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे सैमसंग ने हुआवे से Ctrl+C और Ctrl+V मार दिया हो। हाँ मुझे पता है सैमसंग ने हुआवे से कॉपी नहीं किया होगा, मगर ऐसा लग जरूर रहा है। सैमसंग के डिफेंस में बस एक ही बात है कि आजकल कैमरा पोजीशंस ज्यादा बची नहीं है, जो भी कैमरा पोजीशंस पॉसिबल हैं वो ऑलरेडी कोई ना कोई कंपनी ले ही चुकी है। और अगर एक आधी कैमरा पोजीशंस बची भी हैं तो वो लाइक iPhone 11 जैसी हैं, जो कि बहुत बहुत भद्दी है, मतलब बहुत ही बिल्कुल ही मजा नहीं आया यार। तो इसमें 4 कैमराज हैं, सिंपल वाइड एंगल टेलीफोटो, और ये साथ में है फ्लैशलाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा और फ्लड इल्यूमिनेटर। सैमसंग ने गैलेक्सी S10 में सारे कैमरास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगाए थे, और नोट 10 में अब वर्टिकल पोजीशन में हैं। और मुझे पर्सनली गैलेक्सी S10 की कैमरा प्लेसमेंट काफी अच्छी लगी थी, और नोट 10 में जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कुछ खास सा मजा आया नहीं। तो आप भी मुझे बताओ यार कौन सा ज्यादा अच्छा है, गैलेक्सी S10 या फिर गैलेक्सी नोट 10। गैलेक्सी S10 के फ्रंट में सैमसंग ने 2 कैमरे दिए थे, साइड में कॉर्नर होल में, पर गैलेक्सी नोट 10 में सिर्फ एक ही कैमरा होगा बीच में, और ये वाला कैमरा होल गैलेक्सी S10 के कैमरा होल से काफी छोटा भी होगा। और इतनी बार होल कह के अजीब सा लगने लग गया, सही बता रहा हूँ, दिमाग में कुछ गलत ही होल्स आ रहे हैं अभी। मेरी ओपिनियन में अगर ये कैमरा होल साइड में होता तो काफी बेहतर रहता, मगर बीच में भी ठीक है यार, काम चला लेंगे यार, और क्या करें। फ्रंट से तो गैलेक्सी नोट 10 गैलेक्सी S10 से बेहतर लग रहा है, मगर पीछे से यार सैमसंग काहे करते हो ऐसा। तो यार कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा, और फर्स्ट सब्सक्राइबर जो भी होगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगली वीडियोस से टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देंगे, ये तो पहली वाली थी इसलिए थोड़ा सा अपना इधर उधर की बातें ज्यादा कर ली। तो ठीक है, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर देना यार, पहली वीडियो है, डिसलाइक तो क्यों करोगे। और ठीक है फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।